23 तारीख नवा महीना 2019 में प्रारंभ हुई थी यात्रा और अब पहुंच चुकी है तनोट। करीबन 2 साल और कुछ एक महीनों के बाद गुलाब सिंह जी की दंडवत यात्रा अब तनोट पहुंच चुकी है। यहां से तनोट मजहब सिर्फ कहे तो 400 से 500 मीटर की दूरी पर ही है। ये जो आपको सामने टावर दिख रहा है, ये टावर मंदिर के परिसर में ही है और ये सामने मंदिर ही है। यह गुलाब सिंह जी यहाँ से दंडवत करते हुए आ रहे हैं, जो कि पास में सब भीड़ वगैरह बना के बैठे हैं, हवा डाल रहे, कोई पानी की बोतल है, कोई जयकारे लगा रहे हैं करणी माँ के। और ये सारी महिलाएं हैं जो आगे झाड़ू निकाल रही है, जगह साफ कर रही है, रास्ता साफ कर रही है। यहाँ पे कुछ एक महिलाएं हैं जो डांस कर रही, नृत्य कर रही है, भजन नृत्य। चैन सिंह जी हमारे पास आ चुके हैं। अभी तनोट में पहुंच रहे हैं। अभी तनोट, ये तनोट का ही मार्ग है और सामने आपको जैसे कि मैंने कहा पहले, ये तनोट ही है और ये पूरा तनोट का गांव है। आपको आसपास में जो गांव नजर, घर नजर आ रहे हैं, ये तनोट गांव है और यहाँ पे लोग आप देख सकते हो, ये घर, इन घरों के लोग हैं जो यहाँ पे बैठे बैठे देख रहे हैं। ये सारे तनोट के घर हैं। किस तरह से देखिए, देख रहे हैं। डॉक्टर साहब की फैमिली वालों को तो पता ही नहीं था कि ये यात्रा यहाँ तक भी पहुँचेगी, उनको लगता भी नहीं था। ज़्यादातर उनकी बेटी को, पर उनकी पत्नी को पूरा विश्वास था धर्मपंती को कि यह कर लेंगे और उसी विश्वास पर अब डॉक्टर गुलाब सिंह जी की यात्रा पूर्ण होती है और कल मंदिर में दर्शन करेंगे। आज 11 तारीख हो गई, कल 12 तारीख को 9 से 10 बजे के बीच में दर्शन करेंगे। डॉक्टर गुलाब सिंह जी की एक फौज कहे, देख सकते हो लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे सभी इनके साथ अपने दुखों को लेके चल रहे हैं, वो भी अरदास कर रहे हैं माँ करणी, माँ आवड़, माँ हिंगलाज से कि हम ठीक हो जाए, हम देखने लग जाए। और ऐसी बहुत सी सारी घटनाएं हुई भी है कि वो ठीक भी हुई है और देखने भी लगे हैं, चलने भी लगे हैं। मैंने आपको इसके लिए वीडियो भी मैंने अलग से बना रखी है। ये हाकम नान जी है, इनके चेहरे से खुशी झलक रही है माँ के दर्शन करके। आप देख सकते हो यहाँ से रथ से सीधा मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर की जो ध्वजा है उसके दर्शन कर रहे हैं और रथ के सामने ही भजन नृत्य हो रहा है। माँ करणी, माँ आवड़, माँ हिंगलाज के जयकारों के साथ और रथ के सारथी है, ड्राइवर है, उनकी आप खुशी देख सकते हो। खुशियाँ आज हमें इस प्रकार की मिली है, शायद हमको इस प्रकार की खुशियाँ कभी देखने को नहीं मिलेगी। हम लोगों ने तकरीबन 2 साल से जो यात्रा की है, माँ भगवती आवड़ की कृपा से, माँ भगवती करणी जी की कृपा से, हम लोग आज आदिशक्ति माँ आवड़ के दरबार में पहुँचने वाले हैं। आज हमें जो खुशियाँ मिल रही है, हकीकत में वो खुशियाँ हमें शायद इस जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी और न ही प्रकार की, इस प्रकार की कोई हमें यात्रा भविष्य में देखने को मिलेगी। भगवती माँ आवड़ की कृपा हम सब लोगों पर यूँ ही बनी रहे। जय माँ आवड़। जय माँ आवड़, जय माँ हिंगला, जय माँ करणी। और रथ आप देख सकते हो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दंडवत यात्रा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कैमरे में यहाँ कैमरा लगा हुआ है, उसके दौरान आपको दिखाएंगे किस तरह से पीछे का दृश्य है जो इस कैमरे में दिखाता है और हकमदान जी सारथी है रथ के, वो किस तरह से इस कैमरे को देख के रथ को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए पूरी
लाल कारपेट है और सारी महिलाएं हैं, वो कारपेट के ऊपर झाड़ू अपना कपड़ा रुमाल साफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे जो आप भीड़ देख रहे हो वो भीड़ है डॉक्टर गुलाब सिंह जी की, वो दंडवत कर रहे हैं। और पास में जो भी सेवा दे रहे हैं उनकी सेवा ये होती है कि वो पानी हवा और अगर उनके पैर वगैरह दर्द करने लग जाए, ऐसा हुआ नहीं है, पर वो दबाते हैं बस वो अपनी भावनाओं से। ये रथ का नज़ारा कुछ अंदर से, आरती के लिए रथ लगाया जा रहा है। और यहाँ पे जो ज़्यादा समस्या देती थी तीड़ों की, ये तीड़े यहाँ पे बहुत है ऐसे। अब यह रथ लग रहा है आरती के लिए, यहाँ पे आरती की जाएगी। तो अब गुलाब सिंह जी यहाँ पर है और सामने माँ आवड़ तनोटराय के दर्शन यहाँ से साक्षात हो रही है। और लोगों की भीड़ तो आप ही देख ही सकते हो, इसमें अगर आपको सही से आवाज नहीं आ रही उसके लिए सॉरी। और हम पूछेंगे गुलाब सिंह जी से कि अब साक्षात दर्शन हो रहे है यहाँ से साक्षात, यहाँ से डॉक्टर साहब आपको साथ साथ माँ आवड़ तनोटराय के दर्शन हो रहे हैं 2 साल बाद, क्या खुशी है आपकी? क्या बखान कर सकते, क्या बखान? वही आप हमें बताइए कि 2 साल हो गए आपको घर से निकले हुए, और 2 साल में बहुत ही मुश्किलें रही होगी, बहुत ही कठिनाइयाँ, बहुत ही खुशी, बहुत ही ऐसा कुछ रहा होगा, और 2 साल बाद आप सामने ही मंदिर है, सामने ही ध्वजा लहरा रही है माँ आवड़ तनोटराय की, अब आप अपनी थोड़ी जो भावनाएं हैं खुशी है वो हमें बताएं। इसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। अब आप आपकी जो मनोकामना थी वो भी सब भक्त पूरी करे, माता जी महाराज बस यही की अरदास है कि वो पूरी करे। और अब आपकी यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है, कल 12 तारीख को दर्शन आप करेंगे 9 बजे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो श्रद्धालु है दर्शन करने वाले उनकी भीड़ आप देख सकते हो, वो भी चमत्कारों की भीड़ है। जयपुर से भी आपके परिवार वाले, आपके और भी है रिश्तेदार, वो भी आए हैं। हाँ आए सब, जो अपने हैं वो आते ही हैं। कुछ आप थोड़ा बहुत कह दीजिए, क्या कहूँ जो भी माता जी की लीला न्यारी है, देख रही जनता सारी है, कह कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय करे, अद्भुत लीला है इसकी, कौन जान सकता। और इनकी बेटी है उनसे भी बात करेंगे। अब आपकी पिताजी की यात्रा है जो पूर्ण हो चुकी है, मतलब कल 12 तारीख को दर्शन करेंगे, आपकी क्या खुशी है? आपकी वो शब्दों में तो बयां ही नहीं हो सकती ना, शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं वो, बस माता जी खींच लाई और ले आई और अब आधा किलोमीटर है, बता ही नहीं सकते हम लोग ना कि बस पूरी हो गई पापा की इच्छा और भगवती लाई गई, ये इंसान नहीं कर सकता, मैं नहीं मान सकती। ये माँ भगवती ही कर सकती है, इंसान की कोई मजाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गर्मी है, सर्दी है, हर मौसम जो रहता है अलग अलग रहता है, और बरसात है, सर्दी का मौसम इतना रहता है कि टेम्परेचर का पारा गिर जाता है, और गर्मी का मौसम इतना रहता है। प्रणाम करते हुए भैरू महाराज, काला भैरू, काला भैरू जी, काला भैरू जी हमारी यात्रा में, आपकी काला भैरू जी दोनों, काला भैरू जी हमें पहले भी मिले थे, पहला जब हमने इंटरव्यू लिया था बाप जी का, गुलाब सिंह जी का, तो भी वहाँ पर भी थे। अब गुलाब सिंह जी की यात्रा पूर्ण हो रही है और माँ आवड़ के साक्षात सामने ध्वजा के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ से मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे? बड़ी कामना के साथ पहुँच गया, अब डॉक्टर साहब की जो इच्छा से भाई निर्णय करा दें वो सब इच्छा, बस यही आखिरी हमारी इच्छा है, आखिरी इच्छा यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसे ही।